ने अपने बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी। क्या रखा? धुंधकारी। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखला। गोकर्ण तो ज्ञानी भाई, पर धुंधकारी खल हुआ। पांच वेश्याओं को रखा, वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। माता पिता, माताजी मर गई, पिताजी बन चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। कालांतर में गोकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए गया दान भी किया, पर मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि नंबर एक का पापी था। और देखो ये भागवत का चमत्कार है। दोबारा जब वह घर आए गोकर्ण जी, तो धुंधकारी प्रेत बनकर सताने लगा, भूत बनकर। इन्होंने जल लेकर पूछा, कौन? धुंधकारी रोता हुआ प्रकट हुआ प्रेत बनकर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी, मर गया हूं। वो तो मुझे भी पता, पर हमने गया दान किया, मुक्ति नहीं हुई। भैया मैं नंबर एक का महापापी हूं, मेरी मुक्ति में गया दान काम आने वाला नहीं। कोई और यतन करो, जतन करो, उपाय करो, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मर रहा हूं। क्या करूं? आप ही उपाय ढूंढो। गोकर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य भगवान ने भागवत का उपाय बताया। आप श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का जो तिलक है उसकी कथा सुनाओ, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और हुआ भी यही, भागवत कथा प्रारंभ की, सात गांठ का एक बांस लगा था, प्रेत योनि में धुंधकारी एक सुराग छिद्र के भरोसे उस गांठ पर, उस बांस पर आकर बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ फट गई, सात दिन में सातों दिन गांठ फट गई, और एक चार हाथ वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता, मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत में था, भागवत भगवान की कृपा से आज मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, और प्रार्थना भी करता, धन्या भाग्यवतीर्वारिता प्रेत पीरा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जो मुझे जैसे पापी का तरन तारण कर दिया। भैया इस कथा का सार है, जो हमने धुंधकारी की कथा सुनाई, कि अगर आपने जिंदगी भर पाप किया है कोई दिक्कत नहीं, जीते जी भगवान की कथा सुन लो। अगर तुम्हारे घर में किसी ने पाप किया हो, कथा ना सुन पाया हो, मर गया हो, प्रेत बन गया हो, तब भी मत घबराना, उसके नाम से भागवत की कथा सुना देना। उस महापापी का भी तरन तारण मरने के बाद भी भागवत रूपी संगता से हो जाएगा। ये मरने की बात छोड़ो, जीते जी सुनो। मरने के बाद किसने देखा? जीते जी कौन कौन सुनना चाहता है? पक्का ना? बोलो भागवत भगवान की जय हो।